जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का प्रकाश 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं गुरु रामदास महाराज जी दे ग्रह विखे गोविंदवाल विखे होया। सतगुरु पातशाह जी महाराज जी की काबिलियत नूं पहचानदिआं होइआं गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन कहे सन, दोहता बाणी का बोहता। ते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने आदि ग्रंथ दे विच गुरबाणी नूं एकत्रित किया, श्री हरिमंदर साहब अमृत सरोवर दे विच तैयार करवाया। तरन तारण, गोविंदपुरा, गुरु का बाग आदि सतगुरु पातशाह जी ने नगर वसाए। सिक्खी दे प्रचार दे लई मसंत प्रथा नूं बरकरार रखिया। उस समय समय दी हकूमत दा बादशाह जहांगीर सी, ते जहांगीर गुरु घर दा विरोधी सी। सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दी शहीदी दे जो कारण बने, जदों जहांगीर दा पुत्तर खुसरो जहांगीर दे नाल बगावत करके सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दी शरण दे विच गया, ते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने शरण विच आए दी खुसरो दी पैज रखी। अते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दे समय दे विच सिक्खी दा प्रचार वध होण करके चारे पासे सिक्खी दा बोलबाला होण करके सूफी मुसलमाना दे विच इक फिरका है जो सतगुरु पातशाह जी महाराज जी दे घर दा विरोधी सी, ते सतगुरु जी दे भरा पृथ्वी चंद अते चंदू ने मिल के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे प्रति जहांगीर नूं भड़काउणा कीता, ते सतगुरु पातशाह जी महाराज जी नूं तसीहे दे के शहीद करवाउणा कीता। सतगुरु पातशाह जी महाराज जी नूं तत्ती तवी दे उत्ते बिठा के तत्ता रेत पा के उबलदा जल पा के सतगुरु पातशाह जी महाराज जी नूं शहीद किया जा रहा है। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तत्ती तवी दे उत्ते बैठ के भी तसीहियां नूं झलदिआं होइआं भी बचन आखदे ने, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। सतगुरु पातशाह जी महाराज जी ने सर्ब संगतां नूं उपदेश दिता कि गुरु के भाणे नूं परमेश्वर दे भाणे नूं मिठा करके मनना चाहीदा है। जो सतगुरु जी दे भाणे नूं मिठा करके मनदा है उहदा जन्म ए लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले वाला बन जांदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।